दुनिया में कोरोना ने सभी कार्यों पर रोक लगा दी है, लेकिन यूपी में विकास कार्य का संचालन लगातार जारी है। इसी क्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की कई योजनाओं की शुरुआत की। 6 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 6 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 7 परियोजनाओं का शिलान्यास करें। आपकी जोरदार तालियां। एक नया अध्याय उत्तर प्रदेश की यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय आपसे अनुरोध है कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करें। उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी परिवहन मंत्री अशोक कटारिया जी, लोकप्रिय सांसद माननीय कौशल किशोर जी, लोकप्रिय विधायक शिवनाथ त्रिवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्याल के तिवारी जी, प्रमुख सचिव परिवहन श्याल के सिंह जी, प्रबंध निदेशक श्री राजशेखर जी, परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोकार्पण और शिलान्यास के साथ जुड़े हमारे सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ साठ करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सभी अधिकारियों को और सभी मान्य जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान करने के संकल्प के साथ नवीन बस स्टेशन और आने वाले समय में भी कुछ नए बस स्टेशन उपलब्ध हो पाएंगे, यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपने आप को साबित किया है COVID-19 के इस संकट के दौरान, क्योंकि सामान्य दिनों में तो हर एक व्यक्ति हर एक संस्था अपना कार्य कर सकती है, लेकिन आपदा और चुनौतियों से जूझते हुए हम परिणाम दे पाएंगे यह किसी भी व्यक्ति और संस्था की सबसे बड़ी कसौटी होती है, और उस कसौटी पर खरा उतर करके परिवहन निगम ने अपने आप को साबित किया है। मुझे याद है जब COVID-19 को लेकर के लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो उस समय तक परिवहन निगम ने यह तो विश्वास हम सबके अंदर भरा था कि हां आवश्यकता पड़ेगी, हम
हमेशा सहयोग के लिए खड़े होंगे, क्योंकि प्रयागराज कुंभ उससे पहले सफलतापूर्वक आयोजित करवाने में परिवहन निगम ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। वो एक आयोजन था, दुनिया की एक यूनिक इवेंट थी, बड़ी मात्रा में देश और दुनिया के श्रद्धालु आए थे, उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने या प्रयागराज तक पहुंचाने में परिवहन निगम ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। लेकिन आपदा के दौरान भी हम इस प्रकार का कौशल दिखा पाएंगे अपने आप में एक चुनौती होती है। मैं देख रहा था जब आपदा का नाम सुनकर के बड़े बड़ों के होश गुम हो रहे थे, लोग भाग रहे थे, उन स्थितियों में जब COVID-19 की घोषणा और लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ होती है, तो मैंने इस बात को देखा कि दिल्ली बॉर्डर पर जब लाखों की संख्या में जमावड़ा होता है, लोग पैदल ही निकलने लगते हैं, उस समय मैंने परिवहन के मंत्री परिवहन विभाग के अधिकारियों को रात्रि में बुलवाया और मैंने कहा भाई इसका समाधान निकलना चाहिए। और सचमुच देखते ही देखते बिना अपनी प्रवाह के बगैर परिवहन विभाग के अधिकारीगण, इनके चालक परिचालक और सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए पूरी तत्परता के साथ 48 घंटों के अंदर लगभग 3.5 लाख से 4 लाख लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य किया। लगता ही नहीं था जब मैं स्वयं भी 48 घंटे के बाद उन क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए निकला तो कहीं भी एक भी यात्री नहीं था जो सड़क से पैदल चल रहा हो। इसके बाद हमारे सामने चैलेंज था, हमारे प्रदेश के लगभग 12,500 छात्र छात्राएं कोटा में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए गई थी। COVID-19 का संकट आ गया, उनके सामने एक चैलेंज था, क्या करेंगे? उनके परिवार के लोग और वे सभी बच्चे वहां से गुहार लगा रहे थे, तो भी मैंने परिवहन निगम से कहा और इतनी कुशलता पूर्वक उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया, पता ही नहीं लगा। लेकिन वो दुनिया के लिए, देश के लिए, अन्य राज्यों के लिए एक घटना बनी कि वास्तव में ऐसे सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सकता है। और यह कार्य कोटा के अंदर या फिर प्रयागराज के अंदर 15,000 से अधिक हमारे प्रतियोगी छात्र जो प्रयागराज में थे, उन लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक वापस पहुंचाने का कार्य, और वह भी निःशुल्क अगर किया किसी ने तो परिवहन निगम ने किया। चौथा चैलेंज हमारे सामने COVID-19 के दौरान तब आया जब अचानक प्रवासी कामगार और श्रमिक बड़ी मात्रा में देश के अलग अलग राज्यों से प्रदेश के लिए पलायन किए। इनकी संख्या लगभग 35 लाख थी। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय रेल मंत्री जी के, जिन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेन देकर के एक बहुत बड़ा संबल हमें प्रदान किया। COVID-19 के दौरान हर एक तबके के लिए राहत के पैकेज की घोषणा की और परिवहन निगम ने तब भी बिना किसी इस बात की परवाह किए बगैर कि कोरोना की चपेट में वे आ सकते हैं, संकट हो सकता है, कुछ और खतरा हो सकता है, बिना किसी इस बात की परवाह किए बगैर पूरी मजबूती के साथ परिवहन निगम ने तब भी अपने आप को साबित किया और 35 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया। ये वास्तव में यही किसी व्यक्ति और संस्था की कसौटी होती है, कसौटी पे कितना खरा उतरता है इस संकट के दौरान देखा जा सकता है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपने आप को यह साबित किया है कि वह उत्तर प्रदेश वासियों के संकट का साथी है, यानी संकट का वह साथी है और उसने यह COVID-19 के संकट के दौरान करके दिखाया है।
जब पूरे देश और पूरी दुनिया में एक हलचल है कोविड-19 से कैसे निपटा जाए, तब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपनी अन्य नई कार्य योजनाओं को लेकर के आगे कार्य कर रहा है। चैलेंज है हमारे सामने। अभी इंटरस्टेट परिवहन प्रारंभ नहीं हो पाया है। स्वाभाविक रूप से 12,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेज का जो बहुत बड़ा बेड़ा है, इसके सभी प्रकार की बसेज का उपयोग नहीं हो पा रहा है। लेकिन उस सबके बीच से रास्ता निकाला जा रहा है। जब पहले दिन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें 3 महीने के लॉकडाउन के बाद सड़कों पर उतरी, बहुत कम मात्रा में यात्री थे, और आज 8 से 9 लाख यात्री प्रतिदिन इससे यात्रा प्रदेश के अंदर ही कर रहे हैं। इस संख्या बढ़ेगी। हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए परिवहन निगम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, और इसीलिए इसका पालन करते हुए, जहां हमें कोविड-19 का पालन करना है, इसके प्रोटोकॉल का पालन करना है, मास्क भी, सैनिटाइजर भी, सोशल डिस्टेंसिंग भी, साथ साथ बस स्टेशन पर उसके आसपास के क्षेत्रों में भी बेहतरीन व्यवस्था देने का कार्य करेंगे, ये कार्य हो रहा है। वही हमारी वर्षों से लंबित परियोजनाओं को, लोगों के मन में एक तमन्ना थी, हमारे बस स्टेशन भी एयरपोर्ट की तर्ज पर चमकते हुए दिखाई देने चाहिए।